यस चलो आ जाओ अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्स इंक्लूड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मैं आपको बता सकती हूँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। रेटे टेस्टिस, वासे फ्रेंशिया, एब्डिडाइमस एंड वास डिफरेंस। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बना दिया, चूज द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेसरी डक्ट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने एक ऑप्शन लिख दिया रेटे टेस्टिस, दूसरा लिख दिया वासे फ्रेंशिया, तीसरा लिख दिया वास डिफरेंस और फोर्थ मैंने लिख दिया यूरेथ्रा। तो आपका आंसर क्या आ गया, व्हाट विल बी योर आंसर, यूरेथ्रा विल बी योर आंसर। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासे फ्रेंशिया थ्रू द रेटे टेस्टिस। ये पूरा पैसेज हमने पढ़ा। अब वासे फ्रेंशिया किस में खुल रहा है, लीड द टेस्टिस ओपन इनटू एब्डिडाइमस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ ईच टेस्टिस। तो एब्डिडाइमस की ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि वो टेस्टिस के पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होती है। द एब्डिडाइमस लीड्स टू वास डिफरेंट दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। पहचान कौन सवाल, ठीक है पहचान कौन सवाल आता है यहां से आएगा पहचान कौन सवाल। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। देख लो एनसीईआरटी खेल गई, डायग्राम में कहीं मार्क नहीं की बट यहां पे लिख दी, इस तरीके से फंसते हो तुम, ठीक है यानी लिख दिया है बट डायग्राम में मेंशन वहां पे नहीं किया है, ठीक है। यस इजैकुलेटरी डक्ट, these ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra. Urethra ka jo opening hai that is called as urethral meatus. Is it clear to everyone? Male reproductive system ka anatomy clear hai? Aage chale? Batao. Josh ka hai? Chalo ab next pe chalte hai. This diagram is very important diagram. Very very important. Ab is diagram mein kaise hai? Kya kya cheez hai? Bade castration is removal of testis. जो बच्चा मेरे से पूछ रहा है क्यूलेक्स मोनिका, कैस्ट्रेशन इज रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। चलिए बेटा आइए इस डायग्राम को अब क्या कर देते हैं, छेद देते हैं पूरा, ठीक है इसको भर देते हैं, जितना हमें पता है सब लिख देते हैं अपनी एनसीईआरटी में। सर्टोली सेल, आइए इसके सारे नाम लिखेंगे, सस्टेंटिकुलर सेल, नर्स सेल, ठीक है तीनों ही इसके नाम है। अब ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए बेटा, यहां पे हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं क्या क्या प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे हम एबीपी न्यूज कहते हैं, एबीपी न्यूज एक चैनल हुआ करता था, ठीक है यस बिल्कुल। फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट, दैट इज इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इनहिबिन, इसको क्या हो गया, अरे भाई कुछ हो गया क्या, एक आध शगुन के बिना तो सेशन होता नहीं है, ये बात तो मैं जान ली। रुको बेटा, हाँ स्मार्ट बोर्ड के भी अपने अपने फायदे हैं अपने अपने नुकसान हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो आ जाओ बेटा नेक्स्ट, ये प्रोड्यूस कर रहा है इनहिबिन, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इनहिबिन। एंड तीसरी चीज जो ये प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज एएमएफ, एंटी मुलेरियन फैक्टर, ठीक है। क्या है एएमएफ, एंटी मुलेरियन फैक्टर, तो ये तीन चीजें ये प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब हम नेक्स्ट पे इंटरस्टीशियल सेल, जिन्हें हम लेडिक सेल बोलते हैं, यही हमने अभी लिखा था, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो 2N है और स्पर्मेटोजोआ जो N है, तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको इन योर एनसीईआरटी, ठीक है यस बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट बच्चों, नाउ दिस इज द नेक्स्ट पैराग्राफ, द पीनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये मैम ने फर्स्ट लाइन लिखवाई थी जैसे हमने शुरू किया था चैप्टर कि द पीनिस पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म्स द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यू, स्पेशल टिश्यू कौन सा है, इरेक्टाइल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू कौन सा बेटा, इरेक्टाइल टिश्यू, जिसका नाम क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये आप लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है बिल्कुल। दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इरेक्शन ऑफ द पीनिस टू फैसिलिटेट, अगर इरेक्शन होगा तभी इंसेमिनेशन का प्रोसेस होगा। एंड व्हाट इज व्हाट वाज इंसेमिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
The enlarged end of the penis called the glans penis is covered by a loose fold of the skin called foreskin or prepuce. Or prepuce. ठीक है, अब आते जरा इसके glands पे. The main accessory glands include paired seminal vesicle. देखो paired. Prostate and paired bulbourethral. देख रहे हो एनसीईआरटी की अंग्रेजी. अब बच्चे क्या करते हैं मैं बताती हूँ. बेटा मैं किसी को भस्म भस्म नहीं करने वाली. आई एम जस्ट हियर टू टीच. मैंने ये सब छोड़ दिया है सीरियसली. और आप भी छोड़ दो, बहुत सुकून मिलेगा जिंदगी में. छोड़ दो, बहुत सुकून मिलेगा. मैं मेरे को मेरा कहते हैं ना वो मोक्ष टाइप प्राप्ति हो चुकी है जब से मैंने ये सब छोड़ दिया है. आई रियली एंजॉय टीचिंग नाउ. आई रियली डू एंजॉय टीचिंग. मैंने छोड़ दिया ये सब. अब देखो यहाँ पे इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल. पेयर्ड लिखा है एनसीईआरटी ने सेमिनल वेसिकल के आगे और पेयर्ड लिखा है बल्बो यूरेथ्रल के आगे, बट प्रोस्टेट के आगे नहीं लिखा है. क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी चाहती है आप खुद समझे कि वो अनपेयर्ड है. यहां पे एनसीईआरटी खुद चाहती है कि वो अनपेयर्ड है. ठीक है, यस, वो आपको ये बताना चाहती है दिस इज अनपेयर्ड. ठीक है, यस. नाउ सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा. यानी कि तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को यहां पर लिख देते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. इन तीनों के सिक्रीशन को मिला के हम क्या कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा. सेमिनल प्लाज्मा ये हो गया. ठीक है, एंड सिक्रीशन सेमिनल प्लाज्मा. अब इस सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या है. पहली चीज अच्छा ओके. एक बच्चे ने पूछा मैम इजैकुलेशन ऑफ पीनस. अच्छा मैं आपको बता देती हूँ बेटा, इरेक्शन इज डन बाय पैरासिंपथेटिक सिस्टम, इजैकुलेशन इज डन बाय सिंपथेटिक सिस्टम. ठीक है बेटा, किशोर जाट बेटा, यस, ये आपका क्वेश्चन था जिसका मैंने आंसर दे दिया. अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, फ्रक्टोज. फ्रक्टोज हियर इट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. क्या एक्ट करेगा, एज सोर्स ऑफ एनर्जी. ये सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, और कैल्शियम क्या है, कैल्शियम इज गोना हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ यस व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड सर्टेन एंजाइम्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेमेन में कुछ अमाउंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब बल्बो यूरेथ्रा वाली लाइन जो मैम ने बताई थी, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पीनिस. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, वेरी इंपॉर्टेंट. लिखा सबने ये सब कुछ, आगे चले बच्चों. चले मैम, इज द रिमूवल ऑफ टेस्टिस कॉल्ड ऑर्किडेक्टोमी. नो, ऑर्किडेक्टोमी एंड कैस्ट्रेशन, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है. एक में टेस्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, दूसरे में टेस्टिस रिमूव हो रहे हैं, बट समवट दे आर सेम. ठीक है, समवट दे कैन बी टेकन एज सेम. राजनंदिनी का एक क्वेश्चन है कि मैम FSH भी नेगेटिव फीडबैक देगा क्या. बिल्कुल देगा, FSH भी देता है और LH को भी देता है, टेस्टोस्टेरोन दोनों को देता है नेगेटिव फीडबैक. चलो अब आते फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फर्स्ट टॉपिक डन, खल्लास. ठीक है, यस बच्चों, अब आते नेक्स्ट यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो यहां पे सबसे पहले रेड कलर लेते हैं, लेट्स टेक द रेड कलर. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी, यानी ओवरी हमेशा पेयर में होगी, पहला पॉइंट. अलोंग विद अ पेयर, फिर से पेयर ऑफ ओविडक्ट, यानी ओविडक्ट कितनी है, दो. बट ध्यान से, सिर्फ ओविडक्ट के आगे पेयर लिखा है क्योंकि यूट्रस सिंगल होता है, सर्विक्स सिंगल होता है, वजाइना सिंगल होता है. आई बात समझ में, ऐसा नहीं है कि पेयर यहां पे लिखा है तो ये सबके लिए पेयर्ड है. गलत अंग्रेजी समझ रहे हो फिर तुम. ठीक है, तब तुम गलत अंग्रेजी समझ रहे हो. अब बेटा यहां पे एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इन केस ऑफ फीमेल द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज वल्वा और प्यूडेंडम. ऑल्सो कॉल्ड एज प्यूडेंडम. फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वल्वा या प्यूडेंडम भी कहते हैं. तो ये वर्ड्स वहां पे लिख लो. ठीक है, अब आते हैं लोकेटेड इन पेल्विक रीजन. पेल्विक रीजन यानी कि फीमेल के पास भी बोन्स है, इनॉमिनेट बोन्स. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेल्विक रीजन ऑफ फीमेल एंड अ मेल. चलिए बताइए चैट बॉक्स में. द डिफरेंस इज कि जो फीमेल का पेल्विक रीजन है दैट इज सपोज टू बी अ मोर ब्रॉडर वन. फीमेल का पेल्विक एरिया ज्यादा ब्रॉड होता है क्योंकि वो प्रेगनेंसी के लिए भी अपने आप को क्या करती है, प्रिपेयर करती है. ठीक है बच्चा, अब आते हैं नेक्स्ट. These parts of the system, along with the pair of the mammary gland, यानी यहाँ पे pair में है mammary glands, ठीक है, are
इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ, पहले ओविलेशन. ओविलेशन क्या है? द रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. तो इसका डेफिनेशन यहीं पे लिख लेते हैं. व्हाट इज ओविलेशन? रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है बच्चों, ये हो गई इसकी पहली डेफिनेशन. फिर आते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट, ये तो हमको पता है. देन वी हैव प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी भ्रूणावस्था. देन वी हैव बर्थ एंड लास्ट में चाइल्ड केयर. चाइल्ड केयर में दैट इज लैक्टेशन. चाइल्ड केयर में क्या पॉइंट आ रहा है बेटा? पूरा लैक्टेशन का आ रहा है, फुल लैक्टेशन का पॉइंट आ रहा है. ठीक है, अब आते हैं इसके जरा थोड़ा डिटेल में पढ़ने. लेट्स कम एंड टॉक इन डिटेल. ठीक है चलो, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. व्हाई ओवरीज आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? बिकॉज दे हैव टू फंक्शन, एक तो हार्मोन बनाना और दूसरा गैमीट बनाना. ठीक है, तो ओवरीज जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. अब देखो यहाँ पे मैं असर्शन रीजन बना दूंगी 5:30 वाली क्लास में. मैं आपसे पूछ सकती हूँ ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? ओवरीज प्रोड्यूस ओवरीज प्रोड्यूस ओवा एंड हॉर्मोन्स. तो आंसर क्या होगा? वन, क्योंकि यही रीजन है कि ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है. क्यों? क्योंकि दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट ओवम एंड सेवरल स्टीरॉयड हॉर्मोन्स. और स्टीरॉयड हॉर्मोन्स में कौन कौन से आएंगे बेटा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स होते हैं ये. ठीक है, इस तरीके से असर्शन रीजन आपके बनते हैं. नेक्स्ट, द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन. ये सब करना नहीं है. हाँ ये ठीक है. कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स. यानी कि ओवरी को उसी की जगह पे मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए? लिगामेंट्स चाहिए होते. क्या चाहिए होते बच्चों? लिगामेंट्स. ठीक है, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा. स्ट्रोमा क्या होता है? यस बताइए. यस कम ऑन बेटा, व्हाट इज स्ट्रोमा? क्या होता है स्ट्रोमा? What is ovarian stroma? It is loose connective tissue. क्या है मेरे बच्चों? क्या है इसका मतलब? Stroma का मतलब क्या है यहाँ पे? चलिए इसको लिख लीजिए यहीं पे, जिससे आपको बाद में याद रहे. Loose connective tissue. सारा loose connective tissue है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है. किसने हिस्सों में बटा हुआ है? दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके outer को हम कहते हैं cortex, या outer है, और inner वाले को हम बोलते हैं medulla. इनर वाले को हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला. तो इस तरीके से है ओवेरियन स्ट्रोमा. अब आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैम कॉर्टेक्स में क्या होता है, मेड्यूला में क्या होता है? तो हम यहां पे लिख लेते हैं. ठीक है, कॉर्टेक्स की अगर बात करें तो कॉर्टेक्स में होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स. जबकि अगर मेड्यूला की बात करें तो मेड्यूला में क्या होगा? मेड्यूला में क्या होगा बच्चों? मेड्यूला विल कंटेन नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड lymphatic vessels. ये सारी चीजें किसमें होगी? मेड्यूला में होगी. लिखा आपने? यस, चलिए जल्दी बताइए. एवरीबडी इज राइटिंग.